संवेदनशील सरकार, गरीबों का दुख दर्द समझने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आज देश के हर कोने में लोग अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई, अगर पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक वैक्सीन यहां तक ना आता, लेकिन ये मोदी है। मैंने कहा कोरोना जाए उसकी ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है, और मैं सरकार को बधाई देता हूं, मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल दो प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया। भाई, इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला, और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न पकी हो, कोई बच्चा भूखा सोया हो, वो दिन मैं देखना नहीं चाहता था। और हम सफलतापूर्वक कर पाए। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है, ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे, अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहाँ के विकास को भी गति देने वाला है।